Hello friends, welcome to Akiri Talk Show. Let's welcome our today's guest. He is just 18 years और इन्होंने बहुत कारनामे कर चुके हैं. इनका नाम है अमन शेख. उसू करके एक स्पोर्ट है जो इंडिया में बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन इन्होंने बहुत बड़े बड़े कारनामे कर चुके हैं. अमन, वेलकम टू द शो. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. तो अमन, सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि उसू स्पोर्ट्स को ही क्यों चूज किया? जी सर, पहले मैंने कई और गेम भी देखे थे जब मैंने उसू ज्वाइन किया था उससे पहले भी. उसके बाद मुझे ये गेम बिल्कुल अलग लगा. मतलब मार्शल आर्ट, मिक्स मार्शल आर्ट था इसके अंदर. बॉक्सिंग, जूडो, कराटे, किक बॉक्सिंग, हाई बॉक्सिंग, इन सब का मिलाकर ये एक गेम बनता है. तो मैंने सोचा सब लोग मतलब इंडिविजुअल गेम्स तो कर ही रहे हैं, तो मैं कुछ और अलग से ट्राई करता हूँ. जैसे मिक्स मार्शल आर्ट में हो गया. तो फिर मैंने फिर कुछ दिन बैठ कर देखा. हमारे मतलब डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर एक ग्राउंड है, तो वहाँ पर मैं जाता था इसी वॉकिंग के लिए. तो फिर देखा मैंने कि ये गेम कुछ और ही दिख रहा है. एक डेढ़ महीना तो बस मैं बैठता गया, देखता रहा. उसके बाद सर फिर मैंने देखा, सोचा फिर यही गेम ज्वाइन करते हैं, अच्छा लगा इसलिए. तो कब आपको लगा कि ये स्पोर्ट मेरे लिए है? मतलब ये होता ना जैसे दिल की आवाज, वो कब लगा? जी जी, यहाँ पर सर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट हो रहा था जहाँ पर मैं गया था उस समय देखने के लिए. तो तब उन लोग का उत्साह, उन लोग की जोश, मतलब जिस तरीके से कट सीनियर्स थे हमारे पहले, उनको देखकर फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी ज्वाइन करना चाहिए ये गेम, क्योंकि इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है बिल्कुल. और ये गेम जो करेगा वो काफी गेम्स सीख सकता है, मतलब कर सकता है फ्यूचर. तो मुझे लगा कि ये गेम मुझे भी सीखना चाहिए. तो फिर मैंने घर बताया, अपने डिस्कस किया, तो फैमिली बहुत सपोर्टिव है, सपोर्ट किया कि हाँ बिल्कुल, आप जो भी स्पोर्ट्स करो हम सपोर्ट करेंगे. फिर मैंने आगे बढ़ा. तो आपने नेशनल लेवल पे जीता, स्टेट चैंपियनशिप जीता, अभी रिसेंटली मॉस्को में एक टूर्नामेंट हुआ था वहाँ पे भी आपने मेडल्स जीत के आए. तो इन सब के पीछे कौन है, गुरुजी कौन है आपको? जी मेरे सर है, उमर सर है. यहाँ पर जो मेरे कोच है उमर सर है, उनके पास से मैंने स्टार्टिंग की थी आज से 9 साल पहले, 9 years back जब मैं स्कूल टाइम में था उस समय मैंने स्टार्टिंग की थी. तब से उमर सर से कोचिंग ली मैंने स्टार्टिंग से. उसके बाद फिर आगे आगे सर ने मुझे कैंप्स अटेंड करवाए. अपने स्टेट कोच हमारे सेक्रेटरी सर हैं, अब्बास किरमानी सर, रिसेंटली अभी उनकी डेथ हो चुकी है महीने पहले, उनके पास जो मैंने ट्रेनिंग की है. सर आगे बढ़ाते थे, ट्रेनिंग करवाते थे हमें, इसलिए आज यहाँ पर पहुंचे. तो किस टाइप के एक्सरसाइजेस आप रोज करते हैं, क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ भी चाहिए? जी हाँ, हम लोग एक्सरसाइजेस तो काफी तरीके की करते हैं. जैसे आप जैसे चले गए प्रैक्टिस पर, पहले तो आपकी स्ट्रेचिंग वगैरह तो हो गई, बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए स्ट्रेचिंग कर ली आपने आराम से. उसके बाद थोड़ी देर रनिंग वगैरह होगी, जैसे आपकी बॉडी हीट हो गई, रनिंग होगी. उसके बाद फिर वार्म अप स्टार्ट हो जाता है हमारा, फ्लेक्सिबिलिटी वार्म अप जो भी होता है पूरा करते हैं. उसके बाद फिर थोड़े थोड़े से हम स्टार्ट करते हैं कॉम्बैट एक्सरसाइज, एक एक कर कर एक सेट्स बनाकर एक्सरसाइज का. पहले 50 मिनट्स तो हम लोग का बस एक्सरसाइज वार्म अप होता है, उसके बाद फिर स्ट्रेचिंग होती है 15 मिनट्स की. उसके बाद फिर हमारे जो इवेंट्स होते हैं बेसिक स्टार्ट करते हैं हम लोग. उसके बाद फिर आराम आराम से फिर इवेंट्स जब स्टार्ट होता है, मान लीजिए अभी गेम स्टार्ट, प्रैक्टिस स्टार्ट होने से पहले हम लोग का 1.5 घंटे का बस वार्म अप ही होता है. उसके बाद फिर लास्ट के जो 50 मिनट्स होते हैं उतने में हम लोग बस प्रैक्टिस करते हैं. तो इस गेम के रूल्स क्या है, मतलब इसमें हाथ और पैर दोनों यूज होते हैं, किस तरीके के पॉइंट्स आपको मिलते हैं इसमें? जी हाँ बिल्कुल, वुशु में 2 पार्ट्स है, एक है तावलू और एक सांसू जो है वो फाइट है. जैसे कि किक बॉक्सिंग हो गया, मार्शल आर्ट, मिक्स मार्शल आर्ट है ये, इसमें पंच और किक, थ्रोइंग, रेसलिंग सब कुछ मिक्स होता है इसके अंदर मिलाकर. और ताउलू जो है वो इवेंट होता है, शॉट्स और स्टिक्स और बेयर हैंड का इवेंट्स होता है, इसमें हमें इंडिविजुअल परफॉर्मेंस करना पड़ता है. उस हिसाब से इसमें होता है 10 पॉइंट्स के लिए होता है, जिसमें से आप अच्छा परफॉर्मेंस दोगे उस हिसाब से आपके पॉइंट्स डिटेक्ट होते हैं, फाइनल स्कोर आपका जो भी आएगा उस हिसाब से आपकी पोजीशन होगी रैंकिंग.
अभी जो आपके जो मॉस्को में टूर्नामेंट आप जीत के आए हो, कौन से कंट्री के ओपोनेंट थे जिसको आपने हराया? जी सर, उसमें थे रशिया और ईरान, इजिप्ट और अफगानिस्तान बोल रहा सॉरी, और भी कई सारे थे, बहुत सारे कंट्रीज आए हुए थे वहां पर, और मेरा ये पहला इंटरनेशनल था इसीलिए मैं नर्वस भी बहुत था वहां पर, क्योंकि मैं डायरेक्ट कैंप इंडिया कैंप होकर वहां पर गया था, फैमिली से भी नहीं मिल सका था, 1.5 महीने का कैंप अटेंड करके फिर मैं डायरेक्ट इंडिया टीम के साथ वहीं से गए, वो काफ़ी अच्छा लगा था, फर्स्ट इंटरनेशनल था मेरा वहां पर, थोड़ा बहुत नर्वस था फिर ठीक है, सीनियर्स से मोटिवेशन बहुत मिला सीनियर्स से और सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिला वहां पर। तो आपके साथ कौन कौन थे वहां पर, पूरी टीम गई थी मतलब कोई फैमिली मेंबर्स भी थे आपके साथ? नहीं, फैमिली मेंबर्स कोई नहीं थे सर, इंडिया टीम के साथ ही बस, जो हमारे टीम कोचेस थे, टीम मैनेजर, टीम कोच और हमारी टीम थी इंडिया टीम पूरी, बस प्लेयर्स ही थे वहां। ओके, तो वहां के वेदर कैसे थे, वहां के खाना पीना बिल्कुल हमारे भारत से बिल्कुल अलग है, तो कैसे एडजस्ट किया? काफी प्रॉब्लम हुई, 2-3 दिन तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि हमें इंडियन फूड आपको तो पता है कितना अच्छा होता है, डाइट वगैरह हमें एक मेंटेन कर रखते थे और वहां पर बिल्कुल डिफरेंट था, वहां पर ना राइस खाते हैं लोग ना रोटी खाते हैं, तो बस वहां पर वेजिटेबल्स वगैरह इसी जूस केक्स स्नैक्स वगैरह भी चलता रहा, तो हम लोग ने इंडिया टीम ने बहुत स्ट्रगल किया खाने के लिए वहां पर, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई स्टार्टिंग में 2-3 दिन, उसके बाद फिर एडजस्ट हो गया, मौसम तो खराब था वहां पर, -15-14 डिग्री चल रहा था, स्नोफॉल थी 24 आवर्स स्नोफॉल थी वहां पर, तो हम लोग थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुई स्टार्टिंग में, उसके बाद ओके हो गया सब ने, फिर बोला नहीं अब तो हम गेम खेलने आए तो हमें गेम पे फोकस है, बाकी जो बस खेल के जाना है। तो इस गेम की पॉपुलैरिटी इंडिया में बहुत कम है, तो इस गेम को अगर प्रमोट करना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या उम्मीद रखते हैं आप स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से? आपकी आवाज नहीं है, क्या फिर से रिपीट करेंगे? हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि इस गेम की जो पॉपुलैरिटी है इंडिया में बहुत कम है, तो इस गेम को अगर प्रमोट करना है तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, क्या हेल्प चाहिए? ये स्पोर्ट्स देखिए हमें, मैं तो यही चाहूंगा कि सरकार से बस यही हेल्प है कि हमें स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए इवेंट्स जब लगाते हैं हम लोग तो उसको और ज्यादा मोटिवेट करें, मोटिवेट तो होते हैं लड़के सब खेलते हैं पर आगे बढ़ाने के, जैसे हमारे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई में हो गया, थोड़े बहुत सारे साई है इंडिया में पर कुछ साई में ऐसा है कि वो शो है नहीं, बस थोड़े 4-5 गेम्स होते हैं या और टीम गेम्स रखते हैं, तो मैं बस सरकार से यही करूंगा विनती कि आप उशू को भी हर साई में हर स्टेट में ऐड कीजिए और देखिए आप इंडिया से कैसे कैसे उभरते हुए स्टार्स निकलते हैं और उशू के लिए मेडल्स लाते हैं। तो अभी तेलंगाना से आप शायद बिलोंग करते हैं, तो वहाँ के स्पोर्ट्स मिनिस्टर से भी आपकी बातचीत हुई है, तो क्या क्या बातचीत हुई, क्या बोला उन्होंने आपसे? हाँ, मेरी बहुत अच्छी तरीके से मुलाकात हुई स्पोर्ट्स मिनिस्टर से, सर से मैं पहली बार मिला था उन सर से और बहुत देर बात हुई हमारे बीच आसपास में डिस्कस हुई, तो वही बताए थे सर, हमने डिस्कस किया कि कैसे रहा गेम वहाँ का हालचाल कैसे रहा और सही सलामत आप वापस आ गए, जैसे कि वहाँ पर सब जानते जंग चल रही है, तो हमने बोला सर से हम लोग बस आराम से आ गए खेल, उन्होंने बोला आपको जो भी सपोर्ट चाहिए हम बिल्कुल देंगे, हमारे स्टेट से जो भी फैसिलिटीज होगी आपको सब मिलेगी, काफी अच्छा मोटिवेशन दिया सर ने और बहुत सपोर्टिव है सर और बहुत अच्छा लगा मिलकर। तो अभी तक आपने कितने मेडल्स जीत चुके हो? सर मैं 8 टाइम अभी स्टेट चैंपियन रह चुका हूँ, 8 टाइम और मेरा 5 टाइम मैं नेशनल खेला हुआ हूँ और 2 बार मेरा नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और 1 बार ब्रॉन्ज मेडल हूँ, और अभी रिसेंटली मेरा गोल्ड मेडल आने के बाद मेरा इंडिया कैंप लगा है, उसके बाद फिर मैं डायरेक्ट इंटरनेशनल खेलने गया हूँ, ये मेरा पहला इंटरनेशनल था और मैंने एक्सेप्ट नहीं मतलब सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस हो पाएगा, फिर भी वर्सेस हो गया अभी अच्छे से परफॉर्मेंस और पहले इंटरनेशनल में मेडल आ गया, काफ़ी सारे लोग खुश है, मेरा कोच बहुत ज़्यादा खुश, मतलब कोच की बहुत साल से इच्छा थी हमारे कि लड़के को आगे बढ़ाना है खेलना है,
फैमिली भी बहुत खुश थी, कोच सर भी बहुत खुश, बहुत सारे लोग इंडिया कोचेस हमारे सब सबके सपोर्ट रहने की बदौलत आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ। तो जब आप मेडल लेके एयरपोर्ट में लैंड किए थे, उसके बाद कोई मीडिया कवरेज हुआ था, मीडिया ने तो कवर किया ही होगा, कुछ क्वेश्चंस भी पूछे होंगे, तो वो जो सवाल जवाब था मतलब उसका कैसे हैंडल किया, क्योंकि फर्स्ट टाइम था आपका ये? जी हाँ, पहले तो हम लोग जैसे इंडिया यहाँ पर लैंड हुए थे न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पर, हमारा बहुत जोर शोर से स्वागत किया गया बाय इंडिया फेडरेशन की वजह से, इंडिया की तरफ से बढ़िया तरीके से फूल मालाएं पहनाई उन्होंने और बैंड बाजा और बहुत सारे मीडिया लोग थे, हम लोग सब शॉक थे कि इतने सारे लोग इंटरव्यू सबका ले रहे थे, मीडिया कवरेज हो रहा था। एयरपोर्ट के जो आईजी थे वो खुद हमें रिसीव करने के लिए वहाँ पर इंटरनेशनल उस पर आ गए थे, तो हमने बहुत खुशी हुई वहाँ मिलकर और एक एक से सबका इंटरव्यू हुआ, हमारे सर्स का, कोचेस का, फिर सबका, तो बहुत अच्छा लगा। नर्वसनेस थी थोड़ी बहुत की, मतलब पहला इंटरव्यू था, कैसे लेंगे, क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे, पर फिर बहुत अच्छा लगा सबके साथ मिलकर। अभी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इस बार भी कोशिश किया था कि वुशु को भी उसमें लिया जाए ओलंपिक में, लेकिन वो फाइनल शॉर्टलिस्ट हो नहीं पाए, शायद नेक्स्ट ओलंपिक में ये लोग भी ट्राई करेंगे। तो आगे तो आगे क्या विचार है, आगे क्या करना है आपको, क्योंकि अभी आपका एज जस्ट 18 ईयर्स। जी अभी मुझे तो अभी तो स्टार्टिंग हुआ है, अभी बहुत आगे खेलना है, मेरा एम है वर्ल्ड चैंपियनशिप एशियन गेम्स, ओलंपिक में तो आ चुका है वुशु, अभी ओलंपिक में ऐड हो जाए तो और अच्छी बात है हमारे लिए, कोशिश चल रही है इंटरनेशनल फेडरेशन से भी हमारे लिए जल्द से जल्द ऐड हो जाए वुशु भी ओलंपिक्स में और ये इंटरनेशनल और खेलते रहेंगे। ग्रेट ग्रेट, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। इतने कम उम्र में आपने बहुत कुछ किया, क्योंकि आजकल के बच्चे इस उम्र में नहीं कर पाते जो आपने कर दिखाया। आप छोटे बच्चों के लिए एक आइडल बनते जा रहे हो, आप आगे और भी मेडल्स लेके आओ, इंडिया को प्राउड फील कराओ। सो विश यू ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों, आज का कंटेंट मैं यही ख़त्म करना चाहूँगा, आगे आने वाले समय में ऐसे ही इंस्पिरेशनल कंटेंट्स आपके सामने लेके आऊँगा। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि जो नोटिफिकेशन बटन है उसको काइंडली प्रेस कीजिएगा, तभी पता लगेगा कि मेरा वीडियो आने वाला है। सो टिल देन, डू वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, stay tuned for the upcoming videos. Thank you. Thank you, Aman. Thank you, sir. Thank you.